नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नटियांगा क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको ये बुलन पट्टी बताऊंगी। ये देखिए, इसमें मैंने ये चेन जैसा डिजाइन डाला है, ये चेन सी बन जाती है। आपको मैं डाल के बताऊंगी। पहले हमें ये 10 सलाई साबुन निकाली थी नीचे से, और ये मैंने चार चार फंदों की ये साइड से पट्टी ली है। आप चाहें तो इस पट्टी को बड़ी छोटी कैसी भी ले सकती हैं, और बीच में ये 9 फंदे सीधे लिए। ये एक फंदा उतारा है और 4 सीधे हैं, यानी 5 इधर 5 इधर और 9 बीच में। ये बीच वाले जो चेन बनाई है, जो 9 फंदों में बनती है, और ये पट्टी को आप कितनी भी ले सकती हैं, 10 की 12 की 8 की, आप जो चाहें जितनी बड़ी ले सकती हैं। और 10 सलाई सादा निकालिए, इसके बाद ये चेन बनती है। ये आगे से, ये मैंने आगे से पूरी सलाई सी दी है। और देखिए, अभी मैं सादा निकालूंगी इसे। यहाँ से जब हमें इसको फेरते हैं फंदे, यहाँ से 10 सलाई बनानी है। अभी मेरी ये 4 सलाई हुई है, यानी 5 आगे से 5 पीछे से। इधर से हमें ये फंदे सीधे लेने हैं। ये 4 फंदे सीधे लिए मैंने, एक उतारा था, ये 4 सीधे ले ली, और बीच में अब ये 9 फंदे उल्टे। ये उल्टे ले ली, अब ये फिर से ये 4 फंदे सीधे। आगे से पूरे फंदे सीधे लेने, और ये साइड वाले 5 फंदे बुन गए सीधे, और ये सलाई हमारी 10 हो गई। यहाँ से हमें नहीं, पहले यहाँ से करी थी, ये हमें गिननी है, ये गांठ वाली। जैसे 1 2 3 4 5 हो गई गांठ, तो दोनों तरफ से 10 सलाई हो गई। अब ये सीधे फंदे थे 9, इसमें से हम 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5, ये 6, ये 6 फंदे बुन लिए। ये 3 फंदे सीधे रह गए, अब इनको हम छोड़ देंगे यहीं पे, और इन्हें वापस बन लेंगे, ये उतार लेंगे। देखिए, ये 3 फंदे मैंने इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बीच के में ये 3 फंदे बना रही हूँ। ये 3 फंदों की मुझे 7 सिलाई निकालनी है। ये इधर से 1 उतार लेना पहला, 2 बुन लेने, इधर से 7 सलाई हो गई हैं।
अब इन फंदों को हम छोड़ देंगे, इनको या दूसरी सिलाई में भर लेंगे किसी में। ये देखिए, ये मैंने बीच के 9 फंदों में से बीच के 3 फंदे बना लिए इसमें मैंने, ये 3 फंदे मैंने इस सिलाई में ले लिए अलग से तीसरी में। अब ये 3 इधर के 3 फंदे, ये मैं मुझे तीनों फंदे पहले मैंने ये एक सिलाई में ले लिए। आप चाहें तो इन 6 फंदों को निकाल के फेर सकती हैं, या मुझे 3 इधर करने हैं नीचे के और ये इधर करने हैं। ठीक है, 6 फंदे में निकाल लिए आराम से, ये सिलाई ले लिए और ये इसमें ले लिए। अब मेरे जो ये 3 फंदे थे इन्हें हमें इसी सिलाई में लेना है इधर वाली ले लिए। अब हमारी इधर वाली सिलाई में आ गए जो बुने थे फंदे, अब ये 3 फंदे फिर इसमें बुन लेने हैं। पीछे से हमें ये फंदे सीधे लेने हैं, जो हमारी उल्टी साइड है इधर से हमें ये पट्टी वाले फंदे सीधे लेने हैं, तो बाकी के ये 9 फंदे उल्टे लेने हैं। देखिए ये चैन सी बन गई है, इसी तरीके से बंधी जाती है ये चैन। आप चाहें तो इसको किसी भी स्वेटर में, जैसे फुल स्वेटर बनाएं तो 3 हिस्से करके फंदे के जो फंदे डालते हैं आप वो 3 हिस्सों में बांट लें, फिर ये 3 चैन सी बना दें, ये स्वेटर बहुत सुंदर लगेगा। मैंने ये बुलन पट्टी बनाई है, ये पट्टी में डाली है ये डिजाइन, इस तरीके से डालते जाएँ तो ये 9 फंदे। अब ये 10 सिलाई हो जाए आगे, 10 सिलाई के बाद बीच के 3 फंदे फिर 7-8 सिलाई निकाल लें, फिर ये पहले ये फंदे फेर के फिर बाद में इसी तरीके से मैंने बताया ऐसे ही बनाती जाए इसको, इस तरीके से इसको ये हेयर बैंड जैसे लगेगी और यहाँ थोड़ा सा ऐसे करके और कोई बटन या वो कुछ भी लगा सकती हैं इस तरीके से माथे पे। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।